So hello, a very welcome. A very good evening to all and welcome to the class. 2 सेकेंड और वेट करते हैं बाकी स्टूडेंट्स के लिए. कुछ का मैसेज आया भी ज्वाइन कर रहे हैं, सो जस्ट वेट फॉर अ 2 मिनट्स. ठीक है. चलो तो स्टार्ट करते हैं अपना. ठीक है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम कर रहे थे हम लोग बेसिकली. ठीक है, तो देखते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में कवर किया. तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एक रह गया इसका बेटा, ली चैटलियर प्रिंसिपल. ठीक है, तो उसी ली चैटलियर प्रिंसिपल को हम लोग स्टडी करेंगे. ली चैटलियर प्रिंसिपल हमारा क्या होता है, कल भी थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया दिया था, आज इसको पूरा फिनिश करेंगे. ठीक है, तो व्हाट इज ली चैटलियर प्रिंसिपल. ठीक है, तो जब भी मैंने कल भी बताया था कि जब भी आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करोगे, ठीक है, जब भी आप किसको डिस्टर्ब करोगे, इक्विलिब्रियम को. तो जब भी आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करोगे, व्हेन अ चेंज इज ब्रॉट अबाउट अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, वो हमेशा क्या करेगा, टेंड्स टू एडजस्ट इटसेल्फ टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ चेंज. तो हमेशा वो अपने आप को ऐसे चेंज करने का इटसेल्फ करेगा ताकि उसके इफेक्ट को वो कम कर सके, है ना. यानी इक्विलिब्रियम को अगर आप डिस्टर्ब करोगे तो दोबारा इक्विलिब्रियम अचीव करने की कोशिश करेगा. ठीक, तो इसमें हम लोगों ने 2 चीजें पढ़ी थी, उन्हें दोनों चीजों को देखते हैं. पहला था कंसंट्रेशन. ठीक है, तो क्या है भाई ये कंसंट्रेशन, जरा इसको देख लेते हैं कि सबसे पहले कंसंट्रेशन का क्या टर्म्स था.
ठीक है। तो अगर मैं कंसंट्रेशन की बात करूं, कंसंट्रेशन के टर्म्स में अगर मैं इसको समझने की कोशिश करूं, ठीक है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं बेटा कंसंट्रेशन के टर्म्स में कि अगर आप इसको देखो तो आप बोलोगे कि चेंज इन कंसंट्रेशन, कि अगर आप कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का इंक्रीज करते हो या प्रोडक्ट का रिमूव करते हो तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट किधर हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये चीजें आपको बतानी है कि इक्विलिब्रियम कब किधर शिफ्ट हो रहा है, ये चीजें आप लोगों को यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है। क्लियर है? और कैसे बढ़ेगा ये कोई बता सकता है मेरे को? मान लो ये ए प्लस बी है और ये सी और डी दे रहा है, तो मैंने बोला अगर मैंने ए का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, रिएक्टेंट है ना ये ए और बी, तो सी और डी पे क्या फर्क पड़ेगा या इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा बताओ? अगर मैं रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा अपना, बताओ जल्दी इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाएगा बेटा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? जल्दी, अगर मैं रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ाता हूँ या फिर इसका उल्टा बोलूं अगर मैं प्रोडक्ट को घटा देता हूँ, तो बताओ इक्विलिब्रियम पे क्या चेंजेस आने वाले हैं? फटाफट जल्दी से, फॉरवर्ड। ठीक है, बिल्कुल सही, दैट इज फॉरवर्ड, की फॉरवर्ड बढ़ जाएगा। तो ये बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने कि जब भी आप ऐसा करोगे तो आपको फॉरवर्ड रिएक्शन दिखाई देगा। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्या है हम लोगों का, नेक्स्ट हम लोगों को देखने को क्या मिल रहा है यहाँ पे? तो नेक्स्ट हम लोगों को देखने को मिल रहा है उसी तरीके से, अदर हैंड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, अगर आप कंसंट्रेशन प्रोडक्ट को घटा देते हो, ठीक है, अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को क्या कर देते हो बेटा, यहाँ पे कम कर देते हो, तो हमें क्या देखने को मिलेगा उसको भी आप समझ सकते हो। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अगर आप ऐसा करते हो तो हमें क्या चीजें देखने को मिलेगी। तो ये रहा आपका, लेट्स स्टार्ट या ठीक है। यहाँ पे देखो बेटा चेंज इन प्रेशर, अब प्रेशर के टर्म्स में समझेंगे थोड़ा सा कि प्रेशर के टर्म्स में क्या चीजें हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगी अगर मैं प्रेशर को यहाँ पे कंसीडर करूं। ठीक है, तो प्रेशर के टर्म्स में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी उसको देख लेते हैं एक बार जल्दी से। तो ध्यान से देखो, द इंक्रीज ऑफ प्रेशर ऑन अ केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, द इंक्रीज ऑफ प्रेशर ऑन अ केमिकल इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन इन विच द नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल डिक्रीज एंड वाइस वर्सा, ठीक है, उसका वाइस वर्सा जिधर गैसियस मॉलिक्यूल डिक्रीज होगा। डन, तो ये चीज हम और समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो बेटा ध्यान से, अगर मैं बोलूं कि इफ एन जी इज इक्वल टू जीरो है, यहाँ पे मैं एक इक्वेशन भी लिख देता हूँ, जैसे मान लो ये एन टू है प्लस ये थ्री एच टू है एंड दिस विल गिव्स अस टू एन एस थ्री, मान के चलो कि हमें टू एन एस थ्री दे रहे हैं। ठीक है, एन टू प्लस थ्री एच टू गिव्स अस टू एन एस थ्री, मान के चलो कि ये टू एन एस थ्री हम लोगों को दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या चीज देखने को मिल सकती है? ठीक है, तो क्या क्या देखने को मिलेगा बेटा यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हो तो बताओ जल्दी। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट के साइड कितने हैं, रिएक्टेंट से सिर्फ गैसियस मोल को काउंट करना है बेटा, तो काउंट करो, तो रिएक्टेंट के साइड नंबर ऑफ मोल दो है, और प्रोडक्ट के साइड भी कितने हैं, सॉरी रिएक्टेंट के साइड तीन और एक चार हो गए, और प्रोडक्ट के साइड दो है। अगर मैं इस पे प्रेशर बढ़ाऊं तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, बताया था मैंने, जल्दी बताओ कि उल्टा, मतलब जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, तो बताओ अगर मैं प्रेशर बढ़ाता हूं तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो रहा है हमारा, जल्दी से बताओ इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा हमारा अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करता हूं तो। बराबर बेटा, जल्दी बताइए, कौन बताएगा? फॉरवर्ड, बिल्कुल सही बेटा, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स उधर कम किधर है, प्रोडक्ट के साइड, तो जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे इक्विलिब्रियम हमेशा उधर ही शिफ्ट होने का देखेगा, तो ये चीज भी हम लोग को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलो बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, बिल्कुल सही आंसर है इसका ये। ठीक है, अब देखो बेटा इसी तरीके से मान लो अगर एन जी हमारा जीरो है, क्या क्या बोला है मैंने कि एन जी हमारा अगर जीरो है तो क्या क्या कहानी देखने को मिलेगी, तो ध्यान से देखो, इस केस में अगर मैं बोल दूं कि एन जी जीरो हो गया तो क्या बोलोगे, नो इफेक्ट ऑन इक्विबीरियम, कोई भी इफेक्ट इक्विबीरियम में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो नो इफेक्ट इन इक्विबीरियम ड्यू टू प्रेशर चेंज, कि प्रेशर चेंज होने के चलते इक्विबीरियम में कोई भी इफेक्ट देखने को हमें नहीं मिलेगा। तो एक चीज तो ये क्लियर होती है आप लोगों की कि नो इफेक्ट इन द इक्विबीरियम
ड्यू टू प्रेशर चेंज। नेक्स्ट बेटा देखो क्या बोला है कि अगर एनजी की वैल्यू जीरो से ज्यादा है, तो अगर एनजी की वैल्यू जीरो से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा बेटा, तो अगर एनजी की वैल्यू जीरो से ज्यादा है तो उस केस में इंक्रीज द प्रेशर फेवर बैकवर्ड रिएक्शन, यानी वो बैकवर्ड रिएक्शन को फेवर करेगा। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि वो कौन से को फेवर करेगा बेटा, बैकवर्ड रिएक्शन को। इसका उल्टा कर दिया हम लोगों ने बिल्कुल, राइट। सिमिलरली अगर एनजी की वैल्यू जीरो से कम है, अगर एनजी की वैल्यू जीरो से कम है तो क्या होगा बेटा, तो अगर एनजी की वैल्यू जीरो से कम है तो हम लोगों को इंक्रीज प्रेशर फेवर द फॉरवर्ड रिएक्शन। तो इस तरीके से आप लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कब फॉरवर्ड होगा, कब बैकवर्ड होगा, और किस तरीके से हम इसको पूरा आइडेंटिफाई कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं इसकी वैल्यूज को। डन। तब यहां तक किसी को भी दिक्कत हो तो एक बार बता दो मेरे को जल्दी से फटाफट। किसी को भी कोई भी दिक्कत हो यहां तक? नहीं। क्लियर है यहाँ तक प्रेशर का टर्म? अब देखो बेटा क्या लिखा है। तो वी कैन से दैट कि जो लो प्रेशर होता है हम लोगों का, ठीक है, वी कैन से दैट कि जो लो प्रेशर होता है, तो लो प्रेशर किसको फेवर कर रहा है, सो लो प्रेशर फेवर रिएक्शन वेयर देयर इज इंक्रीज इन द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, एंड हाई प्रेशर फेवर्स दोज वेयर द डिक्रीज इन द नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट टेक्स प्लेस। ठीक है, सो लो प्रेशर फेवर करेगा रिएक्शन को जहां पे इंक्रीज इन द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट होगा, और हाई प्रेशर फेवर करेगा वहां पे जहां पे डिक्रीज इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट होगा। तो इस तरीके से हम लोग दोनों को समझ सकते हैं कि लो प्रेशर और हाई प्रेशर का कॉन्सेप्ट हम लोगों को कब लगाना है। नेक्स्ट आता है बेटा चेंज इन टेम्परेचर, कि ये चेंज इन टेम्परेचर का क्या कहानी है भाई, कि चेंज इन टेम्परेचर को आप किस तरीके से समझते हो। ठीक है, सो चेंज इन टेम्परेचर का बताओ। सो व्हेन द टेम्परेचर इज रेज द इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड इन द डायरेक्शन इन विच द हीट इज एब्सॉर्ब, यानी इस क्या बोल रहा है कि जब टेम्परेचर को आप बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम बेटा उधर शिफ्ट होगा, ऐसे डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां पे हीट एब्सॉर्ब हुआ है, जहां पे हीट क्या हुआ है, एब्सॉर्ब हुआ है। तो इस चीज को भी आप थोड़ा सा यहाँ पे समझ सकते हो। क्लियर है, तो ये कहानी हो जाएगी हम लोगों की हीट किधर शिफ्ट हो रहा है जब हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं। डन। चलो, तो एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है कि डेल्टा एच की वैल्यू निकल रही है, हीट निकल रही है। अब खुद सोचो जहां पे हीट ऑलरेडी निकल रही है, जहां पे हीट ऑलरेडी निकल रही है तो वहां पे टेम्परेचर हाई दोगे या लो, जल्दी बताओ। एक्सोथर्मिक का केस है, अगर वहां पे ऑलरेडी हीट निकल रही है तो वहां पे कौन सा टेम्परेचर सही रहेगा, टेम्परेचर ज्यादा करना है या टेम्परेचर कम करना, हाई। नहीं बेटा, वहां पे ऑलरेडी हीट निकल रही है तो वहां पे हाई टेम्परेचर फेवरेबल थोड़ी होगा, वहां पे तो आप ये चाहोगे कि लो टेम्परेचर रहे। ठीक है, आप वहां पे क्या चाहोगे कि वहां पे लो टेम्परेचर देखने को मिले हम लोगों को, तो हम वहां पे लो टेम्परेचर बोलेंगे। ठीक है, हम मतलब डिजायर कंडीशन है ये कि हम लो टेम्परेचर देंगे क्योंकि वहां हीट ऑलरेडी निकल रहा है। उसी तरीके से जो एंडोथर्मिक होगा, एंडोथर्मिक कौन है, एंडोथर्मिक वो है जहां पे हीट की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहां पे हाई टेम्परेचर होगा। यानी अगर आप एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो रिएक्शन उल्टा हो जाएगा, बैकवर्ड, जबकि एंडोथर्मिक में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेंज इन टेम्परेचर को समझ सकते हो। डन। अब आ जाओ कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है भाई, तो कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है जरा इसको देख लो एक बार कि कैटलिस्ट का क्या क्या इफेक्ट है यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो बेटा तो कैटलिस्ट का हमें क्या इफेक्ट यहाँ पे देखने को ऑब्जर्व हो रहा है, बताओ कैटलिस्ट का कौन सा इफेक्ट देखने को आपको मिल रहा है यहाँ पे, जल्दी बताओ। नो इफेक्ट, वेरी गुड बेटा। ठीक है, तो कैटलिस्ट का कोई भी इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा ये कह रहे हो आप, है ना। तो इस तरीके से बेटा आप इसको समझा सकते हो कि कैटलिस्ट का यहाँ पे कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, यानी यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि कैटलिस्ट इंक्रीज और डिक्रीज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इक्वली, मतलब वो फॉरवर्ड पे भी फर्क डाल रहा है, बैकवर्ड पे भी फर्क डाल रहा है। सो वी कैन से दैट देयरफॉर इक्विलिब्रियम विल बी अटेन्ड इन लेस और मोर टाइम। ठीक है, सो ओनली द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच इक्विलिब्रियम स्टेट इज चेंज बाय द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, भाई कितने देर में इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये चीज भी आप लोगों को थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना है। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, राइट। चलो, तो इस तरीके से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्लियर, यानी कि देयर इज नो इंक्रीज, मतलब जितना रिएक्टेंट साइड इंक्रीज हुआ उतना ही प्रोडक्ट साइड भी इंक्रीज हुआ। सो वी कैन से दैट कि इक्विलिब्रियम पे
कैटलिस्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, वो इक्वल डायरेक्शन में दोनों चीजें करता है. सो ओनली द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द इक्विलिब्रियम स्टेट इज चेंज बाय द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है. दस अ कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट एट ऑल, ठीक है. ऑल्सो कैटलिस्ट डज नॉट अपियर इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, उसमें आपको देखने को भी कैटलिस्ट नहीं मिलेगा. तो ये चीज भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है. डन, याद रहेगा सबको, बता दो एक बार. चलो भाई, ओके, दैट्स ग्रेट. अच्छा, अब देखो अगला आता है कि इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, कि भाई इनर्ट गैस के एडिशन का क्या फर्क पड़ता है, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस, ठीक है. तो चलो देखते हैं कि इनर्ट गैसेस के एडिशन का क्या फर्क पड़ेगा क्या नहीं. सो इफ कीपिंग प्रेशर ऑफ द सिस्टम कॉन्स्टेंट, अगर आप प्रेशर ऑफ द सिस्टम को कॉन्स्टेंट रख लो एंड इनर्ट गैसेज इज एडेड, यानी कॉन्स्टेंट प्रेशर करके आप इनर्ट गैसेज को एड करो, सो इट विल इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम. तो क्या कर देगा, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम को इंक्रीज कर देगा. यानी इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, कीपिंग प्रेशर कॉन्स्टेंट, है ना. यानी अगर आप प्रेशर को कॉन्स्टेंट रखे, जो सिस्टम है उसका प्रेशर कॉन्स्टेंट रखते हो और इनर्ट गैस को एड करते हो, एंड इनर्ट गैस इज एडेड, सो इट विल इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम. तो वो वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम को इंक्रीज कर देगा, ठीक है. अब देखो यहाँ पे क्या आया, देयरफॉर द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन इन विच देयर इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस. इसीलिए इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट हो जाएगा डायरेक्शन में देयर, जहां पे इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस होगा. नाउ इफ कीपिंग वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम कॉन्स्टेंट, मान के चलो अगर आपने वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम को कॉन्स्टेंट रख दिया, ठीक है. तो इफ कीपिंग वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम कॉन्स्टेंट एंड इनर्ट गैसेज इज एडेड, द रिलेटिव मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस विल नॉट चेंज. क्या कह रहा है कि अगर आप वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम को कॉन्स्टेंट कर लो और फिर इनर्ट गैस को ऐड करो, पहला था कि प्रेशर को कॉन्स्टेंट करके इनर्ट गैस को ऐड करो, तो वहां पे वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इंक्रीज हो रहा था, और उसी के चलते क्या हुआ था कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द डायरेक्शन वेयर देयर इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस. इसीलिए इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट हो रहा था डायरेक्शन में जिधर नंबर ऑफ मोल्स गैसेस के इंक्रीज हो रहे थे. नाउ इफ कीपिंग वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम कॉन्स्टेंट, अगर आप वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम को ही कॉन्स्टेंट रख दो, देन इनर्ट गैसेज इज एडेड, जब आप करोगे सो द रिलेटिव मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस विल नॉट चेंज. Hence, we can say that equilibrium position of the reactions remain unaffected. जो equilibrium position होगा reaction का वो unaffected रहेगा. Done? अब देखो ये कुछ important चीजें हैं बेटा, जो हमने जो भी डिस्कस किया है उसको यहाँ पे एक समराइज वे में लिखा हुआ है कि मान लो कोई इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, दैट इज ए ए प्लस बी बी एंड दिस विल गिव्स अस दिस सी सी प्लस डी डी, है ना. और डेल्टा एन जी इज इक्वल टू गिवन है आपका सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, ये आपको अब गिवन है डेल्टा एन जी. नाउ चेंज इम्पोज ऑन द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम कैसे होगा, तो अगर मैं बोलूं कि कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी को इंक्रीज कर दो, किसको इंक्रीज कर दो, अगर आप कंसंट्रेशन ए और बी दोनों को क्या कर देते हो बेटा, इंक्रीज कर देते हो, एंड कंसंट्रेशन ऑफ सी और डी को भी इंक्रीज करते हो. तो दोनों में ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है. पहला कंडीशन देखो, अगर आपने ए और बी के कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया, मतलब रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हो, तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, टुवर्ड्स राइट, यानी प्रोडक्ट के साइड. तो हमने बोला इक्विलिब्रियम राइट में शिफ्ट हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है. चलो अगला, अगर मैं बोलूं कि कंसंट्रेशन सी और डी को डिक्रीज कर दिया, मतलब प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को डिक्रीज किया, तो भी कहाँ होगा ये, अब इक्विलिब्रियम किधर मूव करेगा, इक्विलिब्रियम मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट. तो इस तरीके से समझ सकते हो. अब अगला, हमने प्रेशर इंक्रीज किया, तो प्रेशर में तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स ध्यान रखना है कि भाई जब भी आप प्रेशर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम उधर ही शिफ्ट होगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे. तो ये देखो यहाँ पे सी प्लस डी इज लेस देन ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी यानी रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है. तो अगर रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, तो अगर आप क्या करोगे, अगर इस केस में अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट के साइड जाएगा, क्योंकि उधर नंबर ऑफ मोल्स क्या है बेटा, कम है.
उसी तरीके से अगर प्रोडक्ट के साइड नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होते हैं कंपेयर टू रिएक्टेंट, तो अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर दे तो इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट के साइड शिफ्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आपको ये आइडेंटिफाई करना है कब प्रेशर इंक्रीज होगा, कब प्रेशर डिक्रीज होगा, क्या क्या कहानी। डन। अब देखो नेक्स्ट आता है हम लोग का टेम्परेचर इंक्रीज, कि अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करे तो क्या। तो बता दिया था अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट निकल रही है, तो वहां पे लो टेम्परेचर फेवर करेगा, और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है जहां पे हीट की रिक्वायरमेंट है तो वहां पे हाई टेम्परेचर फेवर करेगा। तो आई होप ये चीज आप लोग अच्छे से याद रखोगे पूरा, ठीक है, याद रहेगा सबको। एक बार बता दो किसी को कोई भी डाउट हो यहाँ तक, कंसेंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर, और किस किस तरीके से दोनों चीजें वैरीज हो रही है। एनीवन, किसी को कोई भी डाउट हो, ली चैटलियर प्रिंसिपल में कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर का क्या रोल है इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने में। किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो पूछो एक बार। नो। चलो नेक्स्ट आता है बेटा एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है, कि एडिशन ऑफ कैटलिस्ट पे क्या कहानी है। तो अगर मैं एडिशन ऑफ कैटलिस्ट की बात करूं तो यहाँ पे है नो चेंज, ठीक है, एक एडिशन ऑफ कैटलिस्ट में क्या है, नो चेंज, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में भी नो चेंज, और इक्विलिब्रियम अचीव एट अ फास्टर रेट, है ना। तो एनी अदर पॉइंट क्या याद रखना है कि इक्विलिब्रियम अचीव एट अ फास्टर रेट अगर आप कैटलिस्ट को एडिशन कर। सर वो ली चैटलियर प्रिंसिपल को एक बार दोबारा। बेटा देखो ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, ध्यान से सुन लो, ली चैटलियर प्रिंसिपल बस ये कहता है कि जब कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेगा तो हमारे लिए तो ये सही चीज नहीं है। क्यों सही नहीं है, बिकॉज हमें तो प्रोडक्ट चाहिए, रिएक्टेंट को रिएक्ट इसीलिए करा रहे ताकि प्रोडक्ट चाहिए, और इक्विलिब्रियम जब अचीव होता है तो एक ऐसा पॉइंट होता है इक्विलिब्रियम अचीव होने पे जब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों को बराबर अमाउंट में बन रहा है, तो हमारे लिए तो प्रॉब्लम हो गई, रिएक्शन हमें लगेगा रुक गई है, लेकिन हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट हमारा बनता रहे, तो हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं। अब इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने के तीन चार तरीके हैं, जिसमें से पहला था कंसेंट्रेशन बढ़ा दो घटा दो, टेम्परेचर ले लो, प्रेशर बढ़ा दो घटा दो, और इनर्ट गैसेस को ऐड कर दो। तो ये टोटल चार तरीके थे जिससे हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। अब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब इस तरीके से करना है ताकि प्रोडक्ट के साइड ज्यादा मिले, मतलब प्रोडक्ट ज्यादा मिले रिएक्टेंट से, है ना, रिएक्शन किधर शिफ्ट हो जाए, प्रोडक्ट की तरफ, तो वही हमारा फेवरेबल कंडीशन होता है। जैसे मान लो आपसे कोई बोलता है, पर चलो इस एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ, जैसे कोई बोलता है ये हैबर प्रोसेस है, N2+3H2 गिव्स अस 2N3, तो ये है हैबर प्रोसेस वी आर यूजिंग फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, है ना, अमोनिया को बनाने के लिए हैबर प्रोसेस को यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा जब हैबर प्रोसेस को हम यूज कर रहे हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, तो इसमें क्या कहानी देखने को मिल रही है, जरा ध्यान से समझना। तो इसमें कुछ ये कहानी देखने को मिल रही है हम लोगों को कि ये N2 है +3H2 एंड दिस विल गिव्स अस 2N3, हमें क्या दे रहा है, N2+3H2 हम लोगों को दे रहा है 2NH3, तो ये हम लोग को 2NH3 दे रहा है, और डेल्टा एच की वैल्यू है -24 किलो कैलरी, ये वैल्यूज दे रखी है, डेल्टा एक्स नेगेटिव है, मतलब ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, क्या है बेटा, एक्सोथर्मिक, क्योंकि रिएक्शन नेगेटिव दे रखा है, ठीक है, सो रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। नाउ व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशन, क्या क्या फेवरेबल कंडीशन होगी इसके लिए। सो द फेवरेबल कंडीशन क्या क्या है बेटा, पहला हाई कंसेंट्रेशन ऑफ N2 एंड H2, की हाई कंसेंट्रेशन होगा N2 का और H2 का, पहली फेवरेबल कंडीशन तो ये है। दूसरा दिमाग लगाना क्यों हाई कंसेंट्रेशन बेटा, अभी अभी बताया था, आप समझ आया तुम्हें ली चैटलियर प्रिंसिपल पूरा बेटा, जिसका डाउट था, ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा कि मैंने हाई कंसेंट्रेशन क्यों बोला, इसके पीछे क्या लॉजिक है, ठीक है। तो इसके पीछे यही लॉजिक है बेटा कि अगर आप कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट का बढ़ाओगे, है ना, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जिधर वो कंसेंट्रेशन को कम करे, हमेशा अपोजिंग काम करता है, और कम कैसे कर सकता है, प्रोडक्ट बना बना के, प्रोडक्ट बना बना के, यानी इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, एक सेकेंड बेटा बस, ठीक है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शंस के लिए अगर मैं बोलूं तो फेवरेबल कंडीशन क्या हो जाएगा, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ N2 और H2, की हाई कंसेंट्रेशन है N2 और H2 का कितना, ये एक पहला फेवरेबल कंडीशन है। दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, हाई प्रेशर, ठीक है, हाई प्रेशर हो जाएगा दूसरा फेवरेबल कंडीशन, की डेल्टा एनजी की वैल्यू इसमें -2 आ रही है। अब समझो प्रेशर का कैसे होगा, देखो नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट के साइड कितने हैं, 3 और 1 4, नंबर ऑफ मोल 4 है, और प्रोडक्ट के साइड कितने हैं बेटा, 2 है, यानी अब अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, है ना, यानी प्रोडक्ट के साइड। तो इस वाले पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए हाई प्रेशर डिजायर कंडीशन है,
तो हाई प्रेशर डिजायर कंडीशन। अब टेम्परेचर मुझे जल्दी से बताओ, लो टेम्परेचर फेवरेबल होगा या हाई टेम्परेचर फेवरेबल होगा? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बताओ भाई फटाफट फास्ट। लो टेम्परेचर, वेरी गुड बेटा, है ना। तो लो टेम्परेचर जो होगा वो फेवरेबल कंडीशन होगा इसके लिए, ठीक है। सो लो टेम्परेचर इज द फेवरेबल कंडीशन फॉर दिस रिएक्शन, ये याद रखना है हम लोगों को। चलो बहुत बढ़िया, तो लो टेम्परेचर इज द फेवरेबल कंडीशन। नाउ अब चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है हम लोगों का? नेक्स्ट है बेटा कि लो टेम्परेचर एज द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। लो टेम्परेचर क्योंकि रिएक्शन जो है वो क्या है, एक्सोथर्मिक है, तो क्लियर हो गया। तो अगर कोई भी आज की बात हमसे पूछता है कि हैबर प्रोसेस के लिए डिजायर कंडीशन क्या है, तो सिंपली बोलना हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर एंड द हायर कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। चलो दूसरा देख लेते हैं एक एप्लीकेशन, ये आप लोग बताओ बेटा मेरे को। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, N2 plus O2 से 2NO मिल रहा है, तो नाइट्रिक एसिड बनेगा। फिर NO को हम H2O के साथ यूज करके HNO3 वगैरह बना लेते हैं। पहले मुझे बस ये बताओ, अगर मैं 2NO बना रहा हूँ यहाँ पे, N2 plus O2 को 2NO, तो मुझे बताओ इसके लिए क्या क्या कंडीशन होगी। तो डेल्टा एच बेटा इसके लिए पॉजिटिव दे रखा है, देख रहे हो। अब नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं, तो रिएक्टेंट के साइड 1 मोल N2 1 मोल O2 यानी 2 है, और प्रोडक्ट के साइड भी 2 मोल है। मतलब यहाँ पे प्रेशर पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, प्रेशर आप बढ़ाओ या घटाओ, देर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज, क्योंकि यहाँ पे जो डेल्टा एनजी है उसकी वैल्यू कितनी है, 0 है। तो डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। डेल्टा एनजी 0 है तो प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। चलो नाउ पहला कि अगर कंसंट्रेशन आप N2 और O2 का बढ़ाओ, तो डेफिनेटली N2 और O2 रिएक्टेंट है, इनका कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, ठीक है। यानी फॉर्मेशन ऑफ NO हमारे लिए डिजायर कंडीशन है। तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा दो। दूसरा, प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज नंबर ऑफ मोल सेम है। नाउ थर्ड क्या आता है बेटा? तो थर्ड आता है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर। व्हाई? बिकॉज हियर डेल्टा एच इज पॉजिटिव, सो डेल्टा एच पॉजिटिव है यहाँ पे। तो अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में हाई टेम्परेचर इज द फेवरेबल कंडीशन, तो हाई टेम्परेचर वहां पे क्या होगा? फेवरेबल कंडीशन होगा। तो ये हम लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, क्लियर है? बताओ भाई जल्दी से, यहाँ तक सबको समझ आ गया, क्लियर हो गया? डन। चलिए तो ये चीज तो हमारी बिल्कुल क्लियर हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट, मेल्टिंग ऑफ एन आइस, ठीक है। सो अब ध्यान से देखो, इसमें थर्ड एग्जांपल है, ये भी हम लोग का ली चैटलर प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि आइस मेल्ट होके वाटर बना रहा है, वहां पे हीट भी निकल रही है जो -X किलो कैलोरी दे रखी है। सो इन द अबव केस फॉरवर्ड चेंज इज एकॉम्पेन्ड विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एंड अ डिक्रीज इन वॉल्यूम, है ना। वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है, हम सबको पता है भाई, अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं आइस की, सॉलिड फेज में है और फिर ये लिक्विड फेज में है। हेंस ऑन अप्लाइंग ली चैटलर प्रिंसिपल द फेवरेबल कंडीशन फॉर द मेल्टिंग ऑफ आइस आर क्या क्या होगा? हाई टेम्परेचर एज द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है यहाँ पे? एंडोथर्मिक है बेटा, ये एक्स किलो जूल है ये प्लस का, ठीक है। बिकॉज आप आइस से वाटर कर रहे हो, खुद सोचो, आप उसमें एनर्जी दोगे तभी तो मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट होगा। सो हियर एनर्जी इज गिवन एंडोथर्मिक, सो एंडोथर्मिक है मतलब हाई टेम्परेचर एज द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक एंड हाई प्रेशर एज द फॉरवर्ड रिएक्शन शोज डिक्रीज इन द वॉल्यूम। तो डिक्रीज इन द वॉल्यूम भी शो कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं हाई प्रेशर, यानी हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर आर द फेवरेबल कंडीशन फॉर द मेल्टिंग ऑफ एन आइस। अब देखो नेक्स्ट आता है बॉइलिंग ऑफ वाटर। तो बॉइलिंग ऑफ वाटर में वाटर है और वाटर से आपको स्टीम बनाना है, गैसियस बनाना है। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, जल्दी बताइए मेरे को। तो ये देखो, वाटर जिसका वॉल्यूम कम है और गैसेस भाई वो फैले हुए होते हैं काफी ज्यादा, काफी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, तो हाइयर वॉल्यूम है, यानी द फॉरवर्ड चेंज इज अकॉम्पेन्ड विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है एंड इंक्रीज इन द वॉल्यूम। हेंस अकॉर्डिंग टू द ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या होगा फेवरेबल कंडीशन? द फेवरेबल कंडीशन फॉर द वेपराइजेशन ऑफ वाटर आर हाई टेम्परेचर, ताकि वो जल्दी से लिक्विड से वेपर में बदल जाए, एंड द लो प्रेशर, ठीक है। बिकॉज लो वॉल्यूम से हाइयर वॉल्यूम जा रहा है, वहां पे हाइयर वॉल्यूम से लो वॉल्यूम था, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट देखो बेटा, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट, तो देखते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट की क्या कहानी है।
तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट में क्या क्या हो गया बेटा हम लोगों का, ध्यान से देखो, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट देखना है हम लोगों को यहाँ पे, ठीक है। सो इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इज अकॉम्पेन्ड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, ठीक है, बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ ठीक है। सो सॉल्युबिलिटी, एक सेकेंड, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट में देखो कि इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इज अकॉम्पेन्ड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट दैट इज कंसीडर द सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर फॉलोइंग इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट, कौन सा इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, ये वाला। जैसे कि ध्यान से देखो, NaCl प्लस वाटर NaCl एक्वस में कन्वर्ट हो गया, इसके लिए डेल्टा एच की जो वैल्यू है ग्रेटर देन जीरो है। भाई ग्रेटर देन जीरो का मतलब होता है पॉजिटिव है, ठीक है। नाउ एज द डिसोल्यूशन ऑफ NaCl प्रोसीड विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट सो इट इज फेवर्ड बाई द हाई टेम्परेचर, तो कौन फेवर करेगा, हाई टेम्परेचर फेवर करेगा। नाउ इफ सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट इज अकॉम्पेन्ड बाई द इवेल्युएशन ऑफ हीट दैट इज द KOH डिजोल्व इन वॉटर विद द इवेल्युएशन ऑफ हीट द सॉल्युबिलिटी ऑफ KOH, ठीक है। सो हम क्या कह सकते हैं कि जैसे जैसे आप NaCl का डिसोल्यूशन कराओगे पानी के अंदर, एंड तो यहाँ पे क्या होगा, विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट तो इट इज फेवर्ड बाय द हाई टेम्परेचर। तो हमेशा याद रख लेना, जब भी किसी चीज का हम डिसोल्यूशन करते हो तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, और एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको हाई टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये हो गया बेटा हम लोगों का पूरा केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड पार्ट। अब आप लोगों को यहाँ पे किसी को कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज समझ नहीं आया हो, तो एक बार मुझे से जल्दी से फटाफट पूछो, टाइम है आप लोगों के पास, सबके पास अभी। यहाँ से किसी को बेटा कोई भी डाउट हो तो एक बार पूछते जाओ फटाफट, जल्दी से। रीच एट फियर प्रिंसिपल में कहीं भी कोई भी डाउट हो, क्योंकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोगों का इस चैप्टर का, केमिकल इक्विलिब्रियम का। नो सर, चलो बहुत बढ़िया, यानी ये क्लियर हो गया आप लोगों का, ठीक है। तो कल की क्लास में हम आयोनिक इक्विलिब्रियम शुरू करेंगे। थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ मैं आज ही कि आयोनिक इक्विलिब्रियम में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं। तो सबसे पहले देखो, इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है कि ये इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं बेटा, ऐसे सॉल्यूट विच डिसोसिएट इनटू आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, यानी ऐसे सॉल्यूट जो डिसोसिएट हो जाते हैं आयंस में जब उसको डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर, एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, ठीक है। यानी द सॉल्यूट विच डिसोसिएट इनटू आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। अब देखो, हाउएवर नॉट ऑल द इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज टू द सेम एक्सटेंशन इन द सोल्यूशन, तो ऐसा नहीं होता कि सभी के सभी इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज हो जाते हैं सेम एक्सटेंशन सोल्यूशन में। डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन द इलेक्ट्रोलाइटेड आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो भाई इलेक्ट्रोलाइट तो ये होगा कि जो पानी के अंदर जाके आयंस में टूट जाते हैं उसको इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट्स भी दो तरीके के होते हैं, एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग और वीक कैसे समझोगे, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, जो कंप्लीटली टूट जाए पानी के अंदर जाके, जैसे NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बोलेंगे, और जो अच्छे से नहीं टूटे उसको बोलेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दो चीजें आ गई हमारे पास, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, यानी दीज आर डिसोसिएटेड लार्जली और ऑलमोस्ट कंप्लीटली इन सॉल्यूशन, ड्यू टू विच द सॉल्यूशन कॉन्सिक्वेंटली बिकम वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, NaOH हो गया, KOH हो गया, दे ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सभी के सभी किसके एग्जाम्पल्स है बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जाम्पल है। उसी तरीके से वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो दीज गेट नेवर कंप्लीटली डिसोसिएटेड, ये कभी भी पूरे डिसोसिएट नहीं होंगे, यानी इन ऑर्डिनरी कंडीशन वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट इन अ सॉल्यूशन
टू द स्मॉल एक्सटेंट ओनली एंड द सॉल्यूशन कॉन्सिक्वेंटली इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब भाई ऑब्वियसली बात है, जो ज्यादा डिसोसिएट होगा, जो ज्यादा नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस करेगा, अच्छी और ऑब्वियसली अच्छे इलेक्ट्रोलाइट्स के लाएंगे, वो कंडक्टिविटी भी अच्छा शो करेंगे, लेकिन जो अच्छे से नहीं टूट पाएंगे, जल्दी ज्यादा आयंस प्रोड्यूस नहीं करेंगे, वो क्या होंगे, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। वो क्या कहलाएंगे बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये चीज क्लियर होगी दोनों को, सभी को, मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जो पानी के अंदर जाके टूट जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। और हाउएवर सभी के सभी इलेक्ट्रोलाइट सेम नहीं टूटते, मतलब कोई ज्यादा भी टूटता है, कोई कम भी टूटता है। तो उस हिसाब से इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट में। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होगा जो कम्प्लीटली टूट जाता है, एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होगा जो कम्प्लीटली नहीं टूट पाता है। तो इस तरीके से आप इसको आइडेंटिफाई करते हो। बताओ भाई, किसी को कोई डाउट यहाँ तक, कोई भी डाउट? नो no? ठीक है, तो ये हो गया बेटा हमारा स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, यानी ऐसे सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूट लाइक यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, विच डज नॉट कंटेन एनी आयन, जो कोई आयन को कंटेन ही नहीं करते हैं, हेंस द सॉल्यूशन इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये सॉल्यूशन जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। सच सॉल्यूट आर टर्म्ड एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो ऐसे ही सॉल्यूट को हम क्या बोलते हैं बेटा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो ये याद रखना है हम लोगों को, ठीक है। यानी ऐसे सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूट लाइक यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, व्हिच डज नॉट कंटेन एनी आयन, जिसके पास कोई आयन ही नहीं होता है, हेंस द सॉल्यूशन इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड होंगे कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के, एंड सच सॉल्यूशन आर टर्म एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। तो ये याद रखना है बेटा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। अब कल हम यहीं से अपना स्टार्ट करेंगे आर्हेनियस थ्योरी से। तो डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज है, तो इसको हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, आर्हेनियस थ्योरी, लेविस थ्योरी, सभी थ्योरीज को पढ़ेंगे। तो अभी तक की क्लास में किसी को कोई डाउट है, फिर हम एंड करते हैं क्लास को यहीं पे। बताओ जल्दी, नो? चलो तो एंड करते हैं, ठीक है, कल मिलते हैं और कल यहीं से स्टार्ट करेंगे बेटा अपनी क्लास को। थैंक यू ऑल।